10 मिनट 50 खबरें। आज पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण का मतदान। असम में 65 और बंगाल में 18 सीटों के लिए वोटिंग शुरू। वोट डालने के लिए कई जगहों पर घंटों पहले कतार में दिखे लोग। पहले चरण के मतदान को लेकर दोनों राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। असम में आज पहले चरण में 539 उम्मीदवार मैदान में। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। पश्चिम बंगाल में आज 18 सीटों के लिए डाले जा रहे वोट। बंगाल में पहले चरण में 133 उम्मीदवार मैदान में। बंगाल में पहले चरण में 13 सीटें संवेदनशील घोषित। इन सीटों पर शाम 4 बजे तक ही डाले जा सकेंगे वोट। आज जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की ताजपोशी। जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री पद की लेंगी शपथ। जम्मू में होगा शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी कोटे से निर्मल सिंह लेंगे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। कांग्रेस शपथ ग्रहण का करेगी बॉयकॉट। जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन पर मेहरबान लालू प्रसाद यादव। शहाबुद्दीन को आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दी जगह। आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लालू के परिवार का पोल बाला, राबड़ी, उनके दोनों बेटे और बेटी मीसा भी शामिल। तीन देशों का दौरा खत्म कर बीती रात स्वदेश लौटे पीएम मोदी। 5 दिनों की यात्रा पर बेल्जियम, अमेरिका और सऊदी अरब गए थे पीएम। भारत माता की जय वाले बयान पर घमासान के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की सफाई। बोले, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। भारत माता की जय पर योग गुरु बाबा रामदेव का विवादित बयान। कहा, कानून से बंधे मेरे हाथ, वरना भारत माता के अपमान पर लाखों सिर काटने का एहसास। वीएचपी नेता साध्वी प्राची का सूरत में बयान। जिन्हें भारत माता की जय नहीं बोलना है वो हिंदुस्तान छोड़कर चले जाए। शिवसेना ने की है ओवैसी की गिरफ्तारी की मांग। कहा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, ये कहकर बढ़ाया विवाद। भारत माता की जय पर बागपत की पंचायत का फरमान। भारत माता की जय न कहने वालों के बहिष्कार का ऐलान। सांसद बेटे चिराग पासवान के साथ वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, लालू, मुलायम और मायावती को अपने राज्य के अलावा कहीं और पैठ नहीं। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। साथ में पति जुबिन ईरानी भी मौजूद। हरिद्वार के जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र में पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर पर हमला। कुछ लोगों ने की मारपीट। पंजाब में प्लास्टिक बैग पर बैन का विरोध। सरकार के फैसले के खिलाफ अमृतसर में प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में रिफ्यूजी विकास मंच ने निकाली रैली। अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में दोषी ठहराए गए रुंगटा बंधुओं की सजा का आज हो सकता है ऐलान। सीबीआई की विशेष अदालत सुनाएगी सजा। दिल्ली में सराफा कारोबारियों के धरना प्रदर्शन में पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, मोदी जी को डुबो देंगे जेटली। दिल्ली में नियमित नौकरी की मांग को लेकर अस्थायी शिक्षकों का केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। केजरीवाल पर वादे से मुकरने का लगाया आरोप। समाज सेवी अन्ना हजारे की बिगड़ी तबीयत। तेज बुखार और सांस में तकलीफ के बाद अहमदनगर के अस्पताल में भर्ती। प्रदेश के सतना में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्हाइट टाइगर सफारी का किया उद्घाटन। सफेद बाघ के होंगे दीदार। दिल्ली में राजकीय सम्मान के साथ एनआईए के अफसर मोहम्मद तंजील सुपुर्द खाक। जनाजे में जय हिंद के लगे नारे। तंजील को मिला शहीद का दर्जा। मोहम्मद तंजील को श्रद्धांजलि देने पहुंचे केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी। स्थानीय लोगों ने केजरीवाल की गाड़ी को रोका। टीवी एक्ट्रेस प्रत्युषा बैनर्जी खुदकुशी केस में दोस्तों ने खोली जुबान। बॉयफ्रेंड राहुल पर लगाया मारपीट का आरोप। प्रत्युषा बैनर्जी के दोस्तों का बयान, राहुल राज से परेशान थी प्रत्युषा, उसे रिश्ता खत्म करना चाहती। बिहार में देसी के बाद अब अंग्रेजी शराब पर पाबंदी की मांग। पटना में महिलाओं ने सड़कों पर झाड़ू लेकर किया प्रदर्शन।
दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 30 में महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की खुदकुशी। 40 साल की अविवाहिता महिला का घर में पंखे से लटका मिला शव। जयपुर में चौकीदानी में हादसा, स्विमिंग पूल में डूबने से रांची के युवक की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। इंदौर के MY अस्पताल से 3 महीने का बच्चा चोरी, बच्चा चुराते सीसीटीवी में कैद हुई महिला। बैंगलोर में मैनहोल की सफाई के दौरान दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत, बचाने आए 2 राहगीरों की भी मौत। यूपी के भदोई में 25 लाख की फिरौती के लिए मामा ने 10 साल के भांजे का अपहरण किया, पुलिस ने मासूम को कराया आजाद, आरोपी मामा समेत 3 लोग गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में हॉरर क्लिनिक का सनसनीखेज मामला, प्रेमी की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या, लड़की के घर के 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में भी हॉरर किलिंग का मामला, प्रेमिका के परिजनों की पिटाई से प्रेमी की मौत, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव। झारखंड के दौसा में 3 साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में सड़क हादसे में महिला की मौत पर बवाल, मुआवजे की मांग को लेकर लोगों का NH पर हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुंबई में फिर दिखा रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने ओशिवारा इलाके में सड़क पार कर रहे परिवार को कुचला, 5 साल के बच्चे की मौत। इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड T20 का विजेता बना वेस्टइंडीज, 2 बार वर्ल्ड T20 का खिताब जीतने वाली बनी पहली टीम। आखिरी ओवर में वेस्टइंडीज को थी 19 रन की दरकार, ब्रेथवेट ने स्टोक्स की लगातार गेंदों पर 4 छक्के जड़कर टीम को जिताई, दिलाई जीत। वेस्टइंडीज की जीत में हीरो रहे मैरलन स्वैमल्स, रूह तूफानी, 85 रन बनाकर अंत तक रहे नाबाद। वर्ल्ड T20 विजेता बनने पर वेस्टइंडीज की टीम ने ईडन गार्डन में मनाया जश्न, जर्सी उतारकर मैदान में झूमते दिखे कई खिलाड़ी। वेस्टइंडीज की महिला टीम ने भी पहली बार जीता वर्ल्ड T20 का खिताब, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को दी 8 विकेट से मात। इसराइल के तेल अवीव में उड़ान के दौरान समंदर में गिरा विमान, विमान में सवार 2 पायलट बाल बाल बचे। अमेरिका के सैनडियागो में तकनीकी खराबी के बाद पार्किंग में खड़ी कार से टकराया छोटा विमान, हादसे में 1 शख्स की मौत। मॉस्को में रूसी रक्षा मंत्रालय की इमारत में आग से अफरा तफरी, कई घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। आतंकी हमले के 12 दिन बाद ब्रसल्स एयरपोर्ट पर शुरू हुई विमानों की आवाजाही, रविवार को 3 विमानों ने भरी थी उड़ान। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल पिलो फाइट डे का आयोजन, सैकड़ों लोगों ने एक दूसरे पर किया तकिए से हमला। बड़ी खबर इस वक्त योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से आ रही है। बाबा रामदेव ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है। बाबा रामदेव ने एक भीड़ को वो संबोधित फुटवर्क करेक्ट आई दिस इज कोली वेरी कोली वेरी कोली वेरी बी मेंटेन दिस हां आई दिस इज कोली वेरी।